बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि सिंध में जो एडमिशन ओपन हो रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कॉलेज के, उसमें हर कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले जाके लिखना है सिक कैप, ठीक है। तो ये सिक कैप फॉर्म ओपन हो जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जाके लिखना है कॉलेजेस, तो ये कॉलेजेस आ जाएंगे। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है कराची, ये बॉयज़ के लिए है। इसकी सब डिवीज़न जमशेद क्वार्टर्स में है, डिस्ट्रिक्ट ये कराची ईस्ट है और ये रीजन कराची का है, ठीक है। इसमें सिंध भर के तमाम कॉलेजेस की जो है ना वो लिस्ट मौजूद है। आपको किसी भी कॉलेज की जो चाहिए कि उसमें कितनी सीट्स हैं तो आप चेक कर सकते हैं। आपने इसको हल्का सा यहाँ से ड्रैग करना है, इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए जो मेल प्री मेडिकल के लिए कितनी सीट्स हैं अवेलेबल, टोटल 100, और फीस जो है वो इसमें फ्री है, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट है। और इस साल जो ये क्लोजिंग होगी इस पे परसेंटेज वो होगी 829, यानी 829 पे ये जो है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से मेल प्री इंजीनियरिंग में इसमें टोटल सीट्स हैं 500, और इसके लिए आपके टोटल जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो 814 थे। ये आपको बताते चलूँ कि ये 829 मार्क्स जो हैं ये 850 में से लिए गए हैं, 1100 वाले नहीं हैं। आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने लेनी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें एडमिशन के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेल कंप्यूटर साइंस है तो इसके लिए इसमें यहाँ पर 150 सीट्स हैं, और इसमें जो क्लोजिंग था वो 812 पर हुई थी, ठीक है। यानी इस कॉलेज में जो है वो आपकी टोटल 3 फैकल्टीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी एक जो है वो प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है। इस तरीके से आप लोग फ्रेंड हर एक की देख सकते हैं। अब इस तरीके से हम लोग इस्लामिया गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची की देखते हैं, ठीक है। अब इसकी चेक करनी है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब इस्लामिया गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की आप देख सकते हैं, इसमें प्री मेडिकल की 100 सीट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग के लिए 800 सीट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए 300 सीट्स हैं, और कितने कितने मार्क्स हैं आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको किसी और कॉलेज की देखनी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं सर्च करके इसको देखता हूँ कि डीजे साइंस कॉलेज कराची इसमें आ रहा है, जैसे मुझे डीजे साइंस कॉलेज का चेक करना है, तो डीजे साइंस कॉलेज तो इसमें फ्रेंड ये सर्चिंग का ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, आपको जो है वो खुद चेक करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कॉलेज लिख कर देखता हूँ कि ये वाकई सर्च हो रहा है या नहीं, ताकि हाँ तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, देन वो उसको सर्च करके दिखा रहा है, ठीक है। आपको किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसका पूरा नाम लिखें, देन वो आपको जो है उसको सर्च करके बता देगा, और अब जो है वो आप उसकी देख सकते हैं, ठीक है। आपको तमाम जो है वो पता चल जाएगी। प्री मेडिकल की इसमें 100 सीट्स हैं, इंजीनियरिंग की 500 सीट्स हैं और कॉमर्स की 300 सीट्स हैं, और उसके जो क्लोजिंग मार्क्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि 680 हैं, 526 है और 445 हैं। यानी आपको किसी भी कॉलेज का अगर जानना है तो कॉलेज का आप पूरा नाम लिखें सर्च बॉक्स में, तो वो आपको पूरा सर्च करके दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो किसी भी कॉलेज की जो है वो लिस्ट जान सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी सिंध के किसी और कॉलेज का देखते हैं, जैसे यहाँ पर है डीजे सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, ये डीजे क्यों नहीं सर्च कर रहा था, क्योंकि डी के बाद में डॉट नहीं लगा रहा था। अगर हम डी लिखते हैं D.J, हाँ तो देखिए ये सर्च करके ले आया है। तो डीजे के लिए आपको D.J लिखना होगा। अब डीजे कॉलेज में सीट्स जो हैं वो आपकी मेल प्री इंजीनियरिंग की 600 सीट्स हैं, और मेल प्री मेडिकल की भी जो है वो आपकी 200 सीट्स हैं, और जो इसका क्लोजिंग परसेंटेज थी वो 850 में से आपने 786 मार्क्स लिए थे प्री इंजीनियरिंग के लिए, यानी 850 में से आपके 786 मार्क्स होंगे, और ये 850
पिछले साल जो थे वो इस तरीके से मार्किंग हुई थी, लेकिन अब जो है मार्क्स आपको मालूम है कि 1100 हो गए हैं, तो आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है। अगर इतनी परसेंटेज बन रही है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं मिल सकेगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी कॉलेज की एडमिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी हम कराची का चक्कर रहते हैं, अब हम किसी और सिटी का देखते हैं, कराची के सॉरी सिंध के, जैसे हैदराबाद है, सखर है, लड़काना है, मीरपुर खास है, उसके अलावा आपका कराची शहीद बेनज़ीराबाद, ठीक है, इसी तरीके से आपका सखर, लड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सखर, तो ये जितने भी आपके सिंध के शहर हैं, ठीक है, आप इनका जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलेज की आप क्लोजिंग परसेंटेज देखना चाह रहे हैं, या फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसका पिछले साल जो थे वो कितने मार्क्स हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने सिर्फ कॉलेज का सही तरीके से नाम लिखना है, ठीक है, देन वो उसको यहाँ पर, जैसे SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है, SM सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये साइंस कॉलेज है, हाँ, तो ये देखें ये आ गया, SM गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज मॉरिंग, ठीक है, SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, और एक है SM गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, तो ये जो सिंध SM आर्ट कॉलेज से ये तीनों आ गए हैं, आप देख सकते हैं इनकी क्लोजिंग, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी कॉलेज का मालूम करना है तो आप आसानी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।